जनता की आवाज में इस बार का मुद्दा है कि हर क्षेत्र में जब महिलाएं आगे बढ़ रही है, महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़ रही है, तो फिर राजनीति का क्षेत्र ऐसा क्यों जहां पर महिलाएं पिछड़ रही है। और इस बात का जवाब देने के लिए यहां पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, राजनीतिक दल से भी हैं, एनजीओ से भी हैं और सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग यहाँ हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूँगा यहाँ पर ललिता जी आपसे। जब हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं, आपको लगता है कि सही स्पीड से आगे बढ़ रही है भागीदारी भारत में? देखिए महेश जी, बहुत अच्छा आपने डिबेट का आज ये मुद्दा रखा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जहां राजनीति के अंदर महिलाओं की भागीदारी जब तक पूरी तरह से नहीं होगी, तब तक जब तक नीति निर्माता अगर महिलाएं नहीं होगी तो महिलाओं के लिए बहुत बेहतर कानून नहीं आ सकते, और जब तक बहुत बेहतर कानून नहीं आएंगे और राजनीति में महिलाएं नहीं आएगी, तब तक महिलाओं का उद्धार मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं होने वाला है। और 33% आरक्षण जहां देने की बात थी, आज ये देखिए कि कोई भी 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात नहीं करते हैं। विधेयक आ चुका है, उसके बाद भी विधेयक पर किसी तरह की सर्वसम्मति नहीं बन रही है, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टियां महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती राजनीतिक क्षेत्र में, और ये बड़े दुखद विषय है। निमिषा, गैर राजनीतिक तरीके से मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, प्रश्न वही है जो ललिता जी से किया था कि भागीदारी की जो स्पीड है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? महेश जी, देखिए सर्वप्रथम तो इस विषय को एक आपने रखा, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगी आपका। हमें थोड़ा सा ऐतिहासिक पन्नों को पलट करके भारत की स्थिति को संज्ञान में लेना होगा। भारत में सदैव से अर्धनारीश्वरी की संकल्पना को सार्थक रखते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए कभी भी किसी को कम नहीं आंका है। इतिहास के पन्नों में देखिए, मुगलों के आक्रमण के बाद महिला की जो स्थिति है उसको पारिवारिक व्यवस्था तक सीमित करने का प्रयास किया गया था, कि उस समय होते हुए अपहरण बलात्कारों के बाद, हजार वर्ष के दंश झेलने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से लेकर आज तक की जो स्थितियाँ थी, उस स्थितियों में लगातार बदलाव है। महेश जी, दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत से यदि मैं करती हूँ तो वहाँ की स्थितियाँ और बेहतर है। तो आज विषय जो हमारा प्रासंगिक ये है कि हम लोग सोचते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र भी अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सदैव सतर्क सजग रह करके संगठनात्मक तरीके से सत्ता में भागीदारी की जाती है। मौर्य साहब, आप ये बता दीजिए कि आखिर कारण क्या है कि पुरुष प्रधान, ठीक है माना पुरुष प्रधान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर बराबर शिक्षा या उससे ज़्यादा शिक्षा लेने के बावजूद भी उस किसी क्षेत्र में पुरुष उनको आगे नहीं आने देते। ये मानसिकता कब बदलेगी? हम बहुत आगे चले गए, किसी सदी में आ रहे हैं, जी रहे हैं, क्यों नहीं ये मानसिकता बदलते? भारत का पिछड़ने का एक कारण ये भी है कि सदियों से यहाँ जो ये परंपरा चली आई है पुरुष प्रधान समाज की, आज भी वो है। जब तक अपने घरों से हम इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक ये बहुत मुश्किल काम है इस देश के अंदर, क्योंकि राजनीति में जो लोग बैठे हैं वो तो चाहते ही नहीं कि राजनीति में महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी लोकसभा में कौन कौन पार्टियां कितनी टिकट दे रही है, वो आपके सामने है, लेकिन जो सामाजिक ढांचा है वो अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा है महिला की प्रधानता को, क्योंकि अभी भी पुरुष के दिमाग में यह है कि ये तो हमारे नीचे रहने वाली चीज़ है, ये हमारे ऊपर कैसे, हमारे बराबर कैसे जा सकती है। आज भी ऑफिसेज में आप देखेंगे तो महिलाओं को एक अच्छी दृष्टि से वो नहीं देखते हैं, उनके साथ व्यवहार भी ठीक तरीके से नहीं होता है। इरफान साहब, मैं एक चीज़ बता दीजिए, मैं अभी शुरुआती दौर में पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाह रहा था और न जाऊँगा, अभी कुछ समय बाद जाऊँगा। आप ही बता दीजिए, आप क्योंकि माइनॉरिटी को बिलोंग भी करते हैं, आप कारण क्या मानते हैं कि महिलाएँ उतनी अधिक संख्या में या उतनी अधिक तीव्र गति से उन क्षेत्रों में नहीं आ रही, पॉलिटिक्स जैसे क्षेत्रों में नहीं आ रही, कारण क्या मानते हैं इसका? देखिए महेश जी, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा और ये बहुत सही भी है, और महिलाओं को आगे आना भी चाहिए और महिलाओं का हक उनको उनका दिलाना भी चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि माइनॉरिटीज़ के अंदर तो शिक्षा की कमी सबसे बड़ी अहम है, कि जब तक महिलाएँ और बच्चियाँ जब तक शिक्षा से नहीं जुड़ेंगी, तब तक वो उनको समझ नहीं आएगी, तब तक उनको ये पता नहीं लगेगा कि हम लोगों को आगे क्या भविष्य बनाना है। इस कारण से महिलाएं, मुस्लिम समाज की तो महिलाएं इसलिए बैग हो रही हैं, और जो बाकी समाज की जो महिलाएं हैं उनको क्या है कि पुरुष प्रधान के तहत उनको आगे लाया ही नहीं जा रहा है। मेरुनिसा जी, आप कारण क्या मानते हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी महिलाओं से आप मिलती होंगी, निश्चित रूप से उनकी जो मन की पीड़ा है वो भी जानती होंगी। आप कारण क्या, वो आना चाहती है ना, आगे तो आना चाहती है ना, फिर कारण क्या है, क्यों नहीं आने दिया जाता? देखिए ऐसा है, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं तो उसको पीछे ढकेल दिया जाता है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो लेडीज़ हैं दे आर वेरी बैकवर्ड, दे आर नॉट एजुकेटेड बट दे हैव द पोटेंशियल्स, उन पर बहुत सी खूबियाँ हैं कि अगर उनको
आगे लाया जाए और उनको किया जाए तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ का जैसा कि अभी मैं सुन रही हूँ कि ढांचा ही ऐसा है कि उसको पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन जो लेडीज फील्ड में हैं, दोज़ हू आर एजुकेटेड एंड दे आर वर्किंग इन द डिफरेंट ऑफिसेस, दे आर केपेबल। तो जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा है कि उनको डिप्रेस किया जाता है, उनको अजीब अजीब तरह की बातें करी जाती हैं, तो दिस इज़ द मेंटल लेवल हैज़ टू बी इंक्रीज। कि ये लोग ये देखते हैं कि जब भी महिलाएं जो हैं जब घर को चला सकती हैं, समाज को चला सकती हैं, तो क्या नहीं कर सकती। मैंने जी आपने बिल्कुल सही कहा, शायद महिलाएं वोट बैंक है। मैं एक डाटा बताना चाहता हूँ कि पिछले जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में वोटर की संख्या जो वोट देने वाली थी उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं थी, पुरुष ज़्यादा औसत था महिलाओं का। शालिनी, इसके बावजूद भी अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो कोई भी राजनीतिक दल, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम ले, कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को उतना आगे क्यों नहीं लाता? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये शायद ये एक नया टर्म है या लोगों ने नई चीज़ कॉइन किया है कि महिलाओं का आरक्षण। देश को आरक्षण में बांटा जा रहा है। पहले तो आपने बांट दिया नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, उसके बाद में जाति धर्म में बांट दिया, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, फिर हिंदू में भी सब बना दिया, ये जाट हैं, ये राजपूत हैं। अब आप लोग जेंडर में भी डिफरेंस कर रहे हैं कि ये पुरुष हैं, ये महिला हैं। मैं दो पुरुषों के बीच में बैठी हूँ और मैं बहुत सेफ, सिक्योर और साउंड महसूस कर रही हूँ। आप खुद एक पुरुष हैं जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है हमारे देश में महिला बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छी है। सी, गॉड फॉरबिड, देर आर अप्स एंड डाउन्स एवरीवेयर एंड इट शुड नॉट हैपन बिकॉज आई एम अ वुमन। अगर मैं आदमी होती तो भी मैं यही शब्द कहती कि ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मीनाक्षी, क्या आप मानती हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं फिर दोनों की बात करूँ, या वाम दल हो या आप पार्टी हो, अमित भाई की पार्टी हो, आपको लगता है वो महिलाओं को राजनीतिक तौर पर आगे लाने में कोई गंभीर है? देखिए, महिला खुद ही अपने आप में सक्षम है, ठीक है। महिला को किसी पुरुष की ना ज़रूरत थी ना ज़रूरत है, क्योंकि जो जननी है, जिसने पुरुष को पैदा किया, वो अपने आप में सम्माननीय है, अपने आप में ताकतवर है। ये लोगों को कहना है कि इतना परसेंट महिलाओं को, इतना महिला खुद सक्षम है, आज हम अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं, और उस महिला में शक्ति होनी चाहिए, वो कितना आगे बढ़ सकती है। और रही बार बार महिला पुरुष के विभेद की, तो मैं नहीं समझती कि महिला पुरुष का कोई विभेद होना चाहिए। ना पुरुष के बिना महिला चल सकती है, ना महिला के बिना पुरुष चल सकता है। इसीलिए इस डिबेट में दोनों है ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ। तो ये केवल महिलाओं का जो आप टॉपिक बोल रहे हैं ना, मैं आपको वही बात कह रही हूँ कि केवल महिलाओं के लिए स्पेशली, कि महिला को पुश करके भी आगे ले जाओगी तो वो नहीं जा पाएगी जब तक उसमें क्षमता नहीं हो। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि महिला सक्षम है, लेकिन अभी तक जो 67 साल के जो चुनाव, 67 साल में जितने भी चुनाव हुए, अगर राजस्थान की बात करूं मैं, तो यहां पर केवल 15 महिला जीत पाई हैं, और उनमें से 7 तो वो सांसद हैं जो राजघरानों से आई हैं। तो क्या राजघराने की महिलाएं सक्षम है? तो जो न जीत पाई उनको वोट किसने किया? नहीं तो जीती उतारी जीत... ही नहीं ना, आप लोगों ने उतारी नहीं, 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 किसी भी पार्टी ने, ना आपने किसी ने भी नहीं उतारा। मैं इस शो में डेटा पे चलता हूँ, डेटा पे ही अपनी बात कहता हूँ कि पिछले सात महिलाएं थे जो राजघरानों से, नाम भी बता देता हूँ, 8 महिलाएं थे जो राजघराने से नहीं थी, लेकिन उसमें से 3 महिलाएं ऐसी थी जो राजनीतिक दलों से थी। तो अगर राजनीतिक दल से नहीं होती तो शायद वो सांसद नहीं बनती, राजघरानों से थी इसलिए वो सांसद बनी है। और इसका मतलब है कि केवल 5 महिलाएं ऐसी थी जो सामान्य जीवन से आगे बढ़ी। तो आपको लगता है कि यहाँ कौन सक्षम नहीं होने देना चाहता राजनीतिक तरीके से? कोई भी प्रोफेशन उठा लो, पहले कहते थे कि महिलाएं पायलट नहीं बन सकती हैं, महिलाएं आर्मी में नहीं जा सकती, किसी ने जिद की आगे बढ़ने की तो बढ़ गई। हम कहते थे महिलाएं वकील नहीं हो सकते क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष वकील ज्यादा है, लेकिन हम आगे जाना चाहते थे तो हम आए। आज मैं खुद भी अपने आप को मानती हूँ कि आई एम बेटर देन अदर्स, क्योंकि मेरी चाहत थी आगे बढ़ने की, तो जिसमें चाहत होती है वो स्वतः ही बढ़ जाता है, मतलब जहाँ चाहे वहाँ राय। निमिषा जी, महेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कौन उनको आगे लाएगा, उनकी खुद की जिजी, उनकी खुद की जिजीविषा, उनकी इच्छा और उनकी योग्यता और क्षमता और दृढ़ निश्चितता के साथ वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार का जो सहयोग है सिर्फ आरक्षण पर इतिश्री कर लेना नहीं होता है। अभी पंचायती राज स्तर पर जिस तरह से पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, पूरे देश के अंदर एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, तो राजस्थान सर्वप्रथम इसी कारण से है। ये दूरदृष्टिता रखते हुए जो महिला को सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि मूलतः भारत की संस्कृति में कभी भी विभाजन नहीं रहा है, अर्धनारीश्वरी की संकल्पना को साकार करते हुए भारत की सभ्यता संस्कृति में हर किसी को बढ़ने के अवसर दिए हैं। कहीं पर भी विरोध नहीं है, कहीं पर भी दबाव नहीं है। सरकारों ने पंचायत स्तर पर या निगम स्तर पर
33% आरक्षण दिया था, वहाँ महिलाएं 33% आई हैं। जब तक ये रिविजन नहीं होगा, एक तरफ हमारी महिलाएं बहनें विरोध करनी इस बात का कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ उन्हीं को देखना चाहिए कि आज मान लो किसी भी पार्टी में देख लो कितने टिकट MP के राजस्थान में महिलाओं को दिए गए या किसी और दूसरे स्टेट में दिए गए। अगर यहीं रिजर्वेशन 33% का वहाँ पास हो जाता तो आपके 33% MLA MP होते हैं, तो वो आपके इच्छानुसार आपके लिए नीतियाँ बनाते हैं और वो आपकी तरक्की में सहायक होता। हमारे आपस की बहनों में भी जब विरोधाभास है तो जाहिर है पुरुष तो उसका खिलाफ रहेगा ही रहेगा। उसकी नेतृत्व खड़े होकर बताइए एक बार। हम लोग 21वीं सदी के अंदर अभी इस पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोच है ना वो पुरुष प्रधान आज भी है, जो 16वीं सदी वही आज भी है। आज बेटा जन्म होता है तो वो बर्तन बजाते हैं, मोहल्ले में लड्डू बांटते हैं, डस्टबिन भी होता है, लाख रुपए खर्च होता है। मुझे बता दीजिए कितने भी लोग हैं, बेटियां पैदा होती तो कौन डस्टबिन करता है, एक रुपए खर्च करते, ये सोचा रहे हमारे पास बोझ आ गई। आप समझ रहे हैं सर, बेटा पैदा होगा तो उसको कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, चाहे वो कर्जा लेके पढ़ाएंगे, मैं और बोर्डिंग भेजेंगे। बेटी अगर बेटी होगी तो उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे उसको। सुनिए सुनिए सर, सुनिए, देखिए देखिए, पूजा देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन माँ बहन बेटी को घर के अंदर रखेंगे, आप समझ रहे हैं। उसमें अगर वो बेटी कुछ करना चाहती है तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आज कितने मर्द हैं जो अपनी वाइफ को फुल खुली छूट देते हैं। अमित भाई आप बताइए क्या ये जो बोल रहे हैं आप, यही सोच है, ये घर घर से सोच बदलनी पड़ेगी हमें। इनका कहना है कि घर घर से सोच बदलनी पड़ेगी हमें, राजनीतिक तरीके से खड़े होकर बताइए एक बार। पिछले 5 साल का जब मैंने डेटा निकाला, केवल जयपुर के पुलिस थाना क्षेत्रों का आपको डेटा बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जयपुर का जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने बलात्कार के केस दर्ज ना हो रहे हों। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूँ, डेटा आपके सामने ला दूंगा, ये हर दूसरे तीसरे महीने की मैं बात बता रहा हूँ। और हर महीने पिछले 5 साल में 1000 से ज़्यादा अपहरण किडनैप जयपुर के सारे थाना क्षेत्रों के अंदर हुए हैं, 1000 से। देखिए फर्स्ट इंडिया राजस्थान ने बहुत बड़ा सवाल, जो राजस्थान का प्रमुख सवाल है, इस राजस्थान का नहीं केवल देश का प्रमुख सवाल है, इसको उजागर करने की चेष्टा फर्स्ट इंडिया ने की है। निश्चित रूप से मैं क्या यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ साथी हूँ, मेरा मानना है कि हमारा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसको समझने की आवश्यकता है, समाज सुधार की आवश्यकता है, एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड करने की आवश्यकता है, तब जा करके कुछ महिलाओं के विकास की और संभावनाएं कुछ पनप सकती हैं। अच्छा मैं रितु आपके पास, यदि एजुकेशन 100% होनी चाहिए तभी सामाजिक सुधार आवश्यक है, और सामाजिक सुधार होगा तो महिलाएं भी आगे होंगी। 50% महिलाएं हैं। दादा कब तक सुधार की बात करते रहेंगे, हम इतने साल हो गए स्वतंत्रता को, सारी पार्टियां सुधार की बात करती है, ऋतु क्या मानती है अभी भी सामाजिक सुधार की जरूरत है? इसमें स्पष्ट सी बात यह है कि सामाजिक सुधार अपनी जगह है, अधिकार की बात करो आप, क्या अधिकार हमारा है वो मिलना चाहिए, चाहे इसे रिजर्वेशन करके लाया जाए। देखिए तो राजनीतिक में आगे बढ़ने का तो अधिकार है ना, क्यों नहीं है? अधिकार है और ये अधिकार मिलना चाहिए हर पार्टी में, ये स्पष्ट होना चाहिए कि इतनी भागीदारी महिलाओं की होगी ही होगी, अदरवाइज हम ये कह रहे हैं जो सक्षम तो सभी है लेकिन क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि समाज की जो विचारधारा है पुरुषों की कि महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहिए। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दे या ना दे, इस पे हमेशा बहस होती रही है, नेता दावे करते रहे हैं लेकिन मिला नहीं है, और चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है, पशु चर्बी, इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। सभी तरह के कपड़ों के लिए मिराज शुद्ध के शुद्ध विकल्प, मिराज शुद्ध ऑयल सोप। लोकसभा का महासंग्राम, किसको मिलेगा टिकट, किसका होगा पत्ता साफ, मोदी और राहुल के बीच होगा महामुकाबला या गठबंधन दे पाएगा मोदी को चुनौती, क्या चार्मिंग चैलेंजर का जादू चलेगा, हर सीट पर खबरों के अंदर की खबर, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, इलेक्शन ओनली ऑन फर्स्ट इंडिया।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, भागीदारी राजस्थान से कितनी है कि जो पिछले 14 लोकसभा चुनाव हुए उसमें राजस्थान में केवल 180 महिला ही चुनावी मैदान में आई, कितनी पहुंची है ये भी सबके सामने है। तो विक्रम, आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों की मंशा ही नहीं होती जब तक महिला किसी राजनीतिक घराने से न हो, किसी राजघराने से न हो, तो महिलाओं को आगे लाने में किसी राजनीतिक दल की इच्छा नहीं होती? आप मानते हैं सर? आप डिजाइनिंग प्रोफेशन से भी हैं, वहाँ महिलाओं की काफ़ी सारी भागीदारी, अगर कंपेयर करो तो क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए हम एक डिज़ाइनिंग कॉलेज चलाते हैं और जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि स्टूडेंट्स की और एम्प्लॉयज़ की, वहाँ पे 80% स्टूडेंट्स फीमेल है, गर्ल्स हैं, ठीक है। और हमारे जो कर्मचारी हैं, मैं डायरेक्टर की बात करूँ तो वो एक महिला है, और जितने हमारे 80% कर्मचारी सारी महिलाएँ हैं। तो कैपेबिलिटी खुद के अंदर होनी चाहिए, महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। महिलाएं जब तक खुद आगे नहीं आएंगी वो ये नहीं कह सकते कि भाई इन पार्टियों ने हमें सीट नहीं दी या मौका नहीं दिया। पीछे रिंकू, आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाएं खुद आने की इच्छा नहीं रखती? इस बार मतदान में महिलाएं पुरुषों से बाजी मारने वाली हैं। 71% महिलाएं वोट देंगी तो क्यों ना हम नोटा कर दें, क्यों हम वोट दें किसी को भी? यदि पॉलिटिकल पार्टीज हमें टिकट नहीं दे रही है, 6-7% टिकट देके हमें टरकाया जा रहा है, क्यों? मैम, अगर मौका नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करिए ना, आप आइए। जरूरी नहीं है कि हर चीज में आपको टिकट देके ही आपको आगे लाया जाए। बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, आप मेहनत करें, आप मेहनत करें और आप आगे आए। आपको आप एक चीज बताइए, आप मैं ना ऐसा कोई भेदभाव राजनीति में महिलाएं है नहीं या प्रत्याशी है नहीं कि उन्हें टिकट इसलिए नहीं दिया जा रहा कि प्रत्याशी नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आप टिकट दे रहे हैं तो क्या आपके अंदर एक लालसा है कि आप सिर्फ टिकट के लिए आना आगे आना चाहते हैं? आपके अंदर मतलब एक लालसा है कि आप टिकट के लिए आना आगे आना चाहते हैं? विक्रम भाई, ये शर्मा जी इस बात में बता, मतलब खाली टिकट से नहीं है, क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि पुरुष जितने भी आ रहे हैं वो बिल्कुल समाज सेवा और देश सेवा के लिए आ रहे हैं? महिलाओं के आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आप आगे सही प्रश्न उठाया रिंकू ने, शर्मा जी आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, हम बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अंदर जाके हम वही बोलते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ऐसे समाज के अंदर हम किस तरह महिलाओं का ध्यान रखेंगे अगर हम उनकी भागीदारी तय नहीं करेंगे? सुनीता जी इसका जवाब देंगी, पीछे सुनीता जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये बताइए कि नारी कहाँ से पीछे है? आप अपने मंदिर में बैठी हो दुर्गा के रूप में, आप अपने मंदिर में बैठी हो लक्ष्मी के रूप में, आप स्वयं अगर अपने आप को नीचे मानोगी तो इस देश का कोई भी व्यक्ति आपको आगे नहीं ला सकता। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी सोसाइटी को वुमेन की इम्पोर्टेंस पता होना, उन्हें ये पता होना कि बचपन से ही उनको बता दिया जाता है पॉलिटिक्स जो है ये यहाँ ये बहुत गंदी चीज़ है, यहाँ नहीं जाना है, ये बहुत ख़राब है, यहाँ शोषण हो रहा है, पहले ही एक मेंटालिटी बना दी जाती है। पहले हम खुद अपने घरों में जब उस मेंटालिटी को ख़त्म करेंगे तब जाके सुधार होगा, फिर जाके गवर्नमेंट की बात आती है। गवर्नमेंट जब आरक्षण देगी तो ना चाहते हुए भी औरतों को जब सीट होगी तो वो जाएंगी और वहाँ लड़ेंगी और फिर अपने आप को प्रूफ करेंगी। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल मूड में आते हैं क्योंकि चुनाव है। निमिषा जी, मेरा प्रश्न ये है कि पिछले चुनाव में भाजपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों को अपनी लिस्ट से बाहर किया, अब महिलाओं को बाहर कर रही है, तो लोगों में ये सोच बनती जा रही है कि भाजपा क्या महिला विरोधी है? देखिए महेश जी, सर्वप्रथम तो हमारे इस जनमंच के मंच पर जिस बुरके की आड़ में मैं अपनी मुस्लिम महिलाओं की सिर्फ आंखों के दर्शन कर पाती थी, उन चेहरों के दर्शन कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस मंच पर इतनी महिलाओं की उपस्थिति। धन्यवाद। क्यों ये धारणा बन रही है कि जिस महिला सांसद को नारी सम्मान पुरस्कार मिला, जिसने संसद में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे महिलाओं में, उस सांसद का टिकट काट दिया गया आपकी पार्टी ने? महेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल राजनीतिक समीकरण और कार्य सामान्य कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में टिकट वितरण की परंपरा है और वो स्थापित मापदंड है। राजनीति में एकमात्र टिकट पाना ही उद्देश्य नहीं होता, सत्ता संगठन के सामंजस्य के साथ टिकट वितरण होता है। लेकिन फिर भी 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में और राजस्थान के अंदर
आज जो प्रतिनिधि महिलाओं का, अरे कांग्रेस तो एक ही को मंत्री बना करके तीसरी करके बैठी है। ललिता जी मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत आपके साहस को मैं बहुत नमन करती हूँ। मात्र एक महिला मंत्री है, कांग्रेस की सरकार है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए अधिकाधिक महिला महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण देगी, सशक्त करेगी, हम उसका साथ देंगे। देखिए 33% तो नहीं दे रहे आप लोग, भी नहीं दे रहे 33% तो आप लोग भी नहीं दे रहे। आप लोग क्या अध्यक्ष ने बहुत लंबी चौड़ी बात कथनी करनी में खाई बढ़ाने वाली कांग्रेस। देखिए महिलाएं किसी तरह से कोई कमजोर नहीं होती, केवल अपने समाज को मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। जहाँ जहाँ भी महिलाओं को अवसर मिला वो अपने परफॉर्मेंस से परचम फहराई है। आज अपने देश में देखिए मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी है, चाहे आपके राष्ट्रपति बन चुकी है, और आप अरे वो सब ठीक है, राष्ट्रपति जैसा निविशा जी ने कहा कि एक बनती है, प्रधानमंत्री का पद एक होता है, लेकिन संसद में तो बहुत सारे पद है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ तो लड़ाया जा सकता है। तो सर संसद में आप 33% 3% सर लोकसभा की अध्यक्ष तक सर महिला रह चुकी है, केवल धीरे 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 बदलाव आएगा, एकदम बदलाव राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में पहुंच जाते हैं। महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए, समाज को ना ये दे रहे हैं ना ये दे रहे हैं ना कोई दूसरे पार्टी। आरक्षण केवल 50% से नहीं, पूरा पूरा जब महिलाएं 50% है अपनी जनसंख्या अनुपात में, तो सर उनको उसी हिसाब से अवसर भी देनी चाहिए, तब महिला आगे बढ़ेगी। मैं बता दूं वोटर्स का अनुपात, मैं आप लोगों को बता दूं जिनको ध्यान नहीं हो, वोटर्स का राजस्थान में महिला और पुरुष के वोटर में जो अंतर है वो केवल 30 लाख का है, केवल 30 लाख का अंतर है, मतलब महिलाएं 30 लाख कम है। तो इस अंतर में तो अगर आप अनुपात की बात करते हैं तो इसी अनुपात में दे दो टिकट। रूपा जी मैं तो ये कह रही हूँ लाइक एवरीबडी इज फाइटिंग ओवर हियर कि वुमेन डोंट हैव द पावर। आई थिंक अगर लेडी के पास पावर है और वो कुछ कर सकती है, आई एम श्योर नोबडी इज देयर टू स्टॉप देम। अब मैं भी हूँ एक वाइफ हूँ, एक मदर हूँ, और अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ और मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को पता है कि शी इज़ केपेबल, नोबडी स्टॉप्स मी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेडी को एक पावर होना चाहिए। रूपा जी ये चीज़ लागू होती है जब आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जब आप कोई अपना एक उपक्रम खोलना चाहते हैं। आज स्कूलों के अंदर भोजन माताएं, आज नर्सिंग स्टाफ, ये तमाम जो गाँव में महिलाएं काम कर रही है ना, कैपेबल है ना। सरकार क्या दे रही है उनको, 1200 रुपये तनख्वाह देती है, क्यों नहीं पेमेंट उनको किया जा रहा पूरा, क्यों नहीं उनको जो है, क्या महिलाओं में उनमें शक्ति नहीं है? आइए महिलाएं ही महिलाओं के दुश्मन है, हकीकत देखा जाए तो महिलाएं महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती। फ्री एजुकेशन है, हकीकत लड़की है। पैदा होती है तो डिलीवरी से लेके उसके बड़े होने तक परिवार में महिला को डेफिनेटली लड़कियां आगे आएंगी। फ्री एजुकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी महिलाओं की? आप कह रहे हैं फ्री एजुकेशन है, क्यों जरूरत पड़ी? सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है, घर में बांध के रखा जाता है। उनके पैदा होने पे पैसा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पैदा होता ही महिलाओं को मार, क्योंकि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। आप सोचिए, शर्म की बात है, ये खुशी की बात नहीं है। कपिल आप बोलिए प्लीज। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं आपको देश की बात करता हूँ। लोकसभा चुनाव राजस्थान का ना होके लोकसभा का है, लोकसभा के होते के नाते स्मृति ईरानी और हमारी कई महिलाएं हैं कैंडिडेट, मेनका गांधी कई बीजेपी ने दिया है और दोनों पार्टियां देती हैं। मैं खाली एक ही बात नहीं करूंगा, महिला प्रतिनिधित्व तो बढ़ता है। दूसरी बात ये कि आप कह लो भले पुरुष प्रधान देश आज़ादी से पहले था सोच में, मगर देश आज़ाद होने के बाद संविधान ने महिला प्रधान देश किया है। संविधान आपके भामाशाह ले लो, आपके राशन कार्ड ले लो। व्याख्यान की बात अलग है। मुझे केवल एक बात में हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्या राजस्थान में सरकार में विधानसभा या संसद में आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उन्हीं की बात कर लीजिए, क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% के करीब होगा, हाँ या ना? देखो निकाय चुनाव में तो है, और जो मांगेगी कैसे जब आप टिकट दोगे तो होगा? निकाय चुनाव में तो है ना, निकाय चुनाव में तो है, उनको दिया गया मौका तब जा पाई। आज पायलट बनी, पहले थी पायलट कोई, आज पुलिस में भर्ती हुई, पहले पुलिस में कहाँ भर्ती थी पुलिस? उनको मौका दिया तभी तो आ पाई ना। तो राजनीति में मौका मिलेगा, उनके लिए आरक्षण होगा तब वो आ पाएगी, ये तो खुद ही दुश्मन बनी हुई है महिलाओं की। कतुरिया साहब एक नारा चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं बोला गया कि बेटी आगे बढ़ाओ, किसी ने नहीं कहा। अधूरा नारा चाहते हैं, ये अधूरे नारे से पूरा विकास चाहते हैं, और अभी बोल रहे पढ़ेगी और बढ़ेगी। अरे 5 साल में किसी PhD करा दिया सबको क्या आपने? इंद्रजीत लास्ट शॉर्ट। भारत का मार्केट महिलाओं से चल रहा है, भारत का जो बाजार है वो 80% मार्केट
महिलाओं से चल रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ महिला प्रधान है। घर के राशन से लेके कपड़े से लेके सबसे ज्यादा खरीदती महिलाएं हैं। कंज्यूमर का जो मार्केट है वो महिलाओं से चल रही है, तो आप कैसे पीछे कर रहे हो? इकोनॉमी पूरी महिलाओं से चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो कि महिलाएं पीछे हैं? क्या आप पॉलिटिक्स में महिलाओं की स्थिति से सेटिस्फाई हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बहुत सारे आदमी और बहुत कम विमेन हैं। बट इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमें इंडिपेंडेंस हुए भी 70 इयर्स हुए, उसमें हमें एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर मिल गई, एक फीमेल प्रेसिडेंट मिल गई, हमारे स्टेट में फीमेल चीफ मिनिस्टर है, बट किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया कि फीमेल गवर्नर भी रह चुकी है, फीमेल जजेस भी रह चुकी हैं। इट्स जस्ट दैट इतना डिस्पैरिटी था इतने टाइम के लिए, तो विमेन को मौका ही नहीं मिला। 70 इयर्स में इतना कुछ हो गया, नेक्स्ट 70 इयर्स बाद जब डिबेट होगा तो विमेन विल हैव मोर हैव अ मोर सीइंग। मेरा एक लास्ट प्रश्न होगा पूरी जनता से एक मैं जवाब चाहूँगा, एकमत होंगी निश्चित रूप से कि पार्टी चाहे कोई सी भी हो, क्या आप सब इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक रूप से महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करने की जरूरत है, हाँ या ना? हाँ करके भारत की नारी सदैव से सशक्त थी, सशक्त है और सशक्त रहेगी, कभी कमजोर नहीं थी वो। निश्चित रूप से जनता की आवाज ये कहती है कि पार्टी चाहे कोई सी भी हो, 33% की वकालत करती है तो उसको धरातल पे भी लाया जाना चाहिए। संगठन में जगह तो मिलती है लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो हर पार्टी को महिलाओं को आगे लाना चाहिए, तभी वो हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी कर सकती है। आज के जनता की आवाज़ में बस इतना ही, अगले एपिसोड में भी किसी विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।